हेलो नमस्ते आदाब, सोलफुल सैटरडेज में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आइए इस गणेश चतुर्थी के पर्व में जारी रखते हैं गणेश जी की कुछ बातें और एक कहानी के माध्यम से देखते हैं द डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून, जिसे हम आमतौर पर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो एक दिन गणेश जी पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण कर स्वादिष्ट खान पान खाकर अपने मूषक वाहन पर कैलाश की ओर जा रहे थे। अचानक उन्हें किसी के हंसने की आवाज आई। उन्होंने पलट कर देखा तो पाया कि चंद्रमा उन्हें देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। उन्होंने चंद्रमा से पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो? चंद्रमा ने उन्हें कहा कि मैंने पहली बार एक हाथी जैसे प्राणी को बड़ा सर और बड़े पेट के साथ एक मूषक पर जाते हुए देखा है। ये सुनते ही भगवान गणेश बिल्कुल क्रोधित हो गए और उन्होंने उसी समय पर चंद्रमा को श्राप देते हुए कहा कि आज के बाद तुम्हारी चमक और रोशनी हमेशा के लिए चली जाएगी। चंद्रमा इससे बहुत घबरा गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान गणेश से माफी मांगी। पर तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि वो तुरंत ही काले पड़ने लगे थे और उनकी रोशनी ओझल होने लगी थी। फिर भी उन्होंने भगवान गणेश से प्रार्थना की कि प्रभु आप अपना ये श्राप कृपा कर वापस ले लें। चंद्रमा को पछताता हुआ देख भगवान गणेश को उन पर दया आ गई और उन्होंने बड़ी विनम्रता से चंद्रमा से कहा कि तुम्हें दिया हुआ श्राप मैं वापस तो नहीं ले सकता हूँ, पर हाँ ये आशीर्वाद जरूर दे सकता हूँ कि जिस तरह तुम्हारी रोशनी धीरे धीरे ओझल होती है, उसी तरह तुम्हारी रोशनी धीरे धीरे वापस भी आएगी जब तक कि तुम अपने पूर्ण स्वरूप में न आ जाओ। कहते हैं यहाँ से ही शुरुआत हुई कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की। कृष्ण पक्ष यानी वो समय जब चंद्रमा की रोशनी धीरे धीरे ओझल होती है और अमावस का दिन आ जाता है, और शुक्ल पक्ष यानी कि वो समय जब चंद्रमा की रोशनी धीरे धीरे वापस आती है जब तक कि वो अपने पूर्ण स्वरूप यानी पूर्णिमा के दिन आ जाते हैं। और साथ ही साथ भगवान गणेश चंद्रमा से कहते हैं कि चतुर्थी के दिन कोई भी इंसान तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसने तुम्हारे दर्शन किए तो उसे भी बेवजह मेरी तरह दुख, कटाक्ष और तकलीफ महसूस करनी पड़ेगी। Now friends, this story is of great spiritual significance. Lord Ganesha over here represents the Atma, the light, the all-pervading, enlivening factor amongst all human beings. And the moon represents the mind, the moon which constantly receives the light from the sun. However, when the mind is full of ego, it looks down upon another human being, it mocks at another human being, it teases someone, it disrespects someone. And in such a mind, the Lord never resides, because such a mind is always full of egocentric, self-centered, selfish thought. Hence, Purnima and Amavas are considered very important days from the point of view of introspection, because by meditating on these days, one realizes how the outer luster is so dependent on the inner makeup. Because when one is connected to the ego within, then one automatically loses their luster outside. Whereas when one is connected with the Ganesha, with the light from within, then one automatically sparkles like the full moon from the outside. तो आशा करती हूँ कि गणेश चतुर्थी के इस पर्व पर चंद्रमा, गणेश, कृष्ण और शुक्ल पक्ष का ये साइंटिफिक एंगल आपको जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए हंसिए, खुश रहिए और सब बोलिए गणपति बाप्पा मोरिया।